गुजरात चुनाव से एन पहले कांग्रेस को हार्दिक पटेल के संगठन पाटीदार अनामत आंदोलन समिति का साथ मिल गया है। हार्दिक पटेल ने अप्रत्यक्ष तौर पर यह साफ कर दिया है कि वो बीजेपी के विरोध में हैं, इसीलिए वो कांग्रेस के साथ हैं। आरक्षण पर भी कांग्रेस के साथ फॉर्मूला मानने की बात कही गई है। जो मंडल कमीशन की जो सूची थी, उस सूची के पैरामीटर्स के आधार पर गुजरात के बिन आरक्षित वर्ग के लिए स्पेसिफिक सर्वे होगा। अभी मैं बोल रहा हूं कि पाटीदार समाज दुखी है, गरीब है। सरकार बोल रही है कि नहीं नहीं, पाटीदार समाज बहुत समृद्ध है। तो उस आधार पर अगर सर्वे होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने आरक्षण के लिए जिस तरह से सहयोग दिया है, वो गुजरात के सभी समुदाय के लिए अच्छी बात है। मुझे मालूम है लोग मुझे एजेंट बुलाते हैं, एक अच्छा शब्द दिया है एजेंट। मैं बार बार कहता हूं मैं जनता का एजेंट हूं, और कांग्रेस पार्टी ने जो हमारे मुद्दों की बात कही है जिसमें हमें सहमति है, पूरी तरह से सहमति है, कोई दिक्कत नहीं है कांग्रेस पार्टी के इस मुद्दों के साथ हमें। लेकिन बड़ा मुद्दा यह है कि क्या आप अब कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करोगे, क्या अब आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन करोगे। तो मैं बार बार कहा हूं, अभी भी बोल रहा हूं, मैं 2.5 साल तक किसी भी पार्टी ज्वाइन नहीं करने वाला। मैं भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए अत्याचारों के सामने लड़ूंगा, छाती ठोककर लड़ूंगा, दम लगाकर लड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने हमारे समाज और गुजरात की अस्मिता पर बड़ा वार किया है, स्वमान पर वार किया है। इसलिए मेरा मतलब होता है कि उनके सामने लड़ना। जिस तरह से बोल रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी से टिकट का बंटवारा नहीं हो रहा, इसलिए 2 दिन पहले इस तरह से तोड़फोड़ हुई, बवाल हुई। मैं पहले भी कहता हूं कि कांग्रेस पार्टी से ना कोई टिकट की बात हुई है, ना ही किसी भी प्रकार के सौदेबाजी हुई है। हमने सिर्फ कांग्रेस पार्टी से कहा है कि अच्छा और ईमानदार प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए जो हमारी बात असेंबली के अंदर रख सके। कांग्रेस पार्टी को हम समर्थन खुले तौर पर नहीं कर रहे, लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के सामने लड़ेंगे, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली कांग्रेस को समर्थन होगा। मैंने कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बोला है और गुजरात को भी ये स्पष्ट कहते हैं कि जिस तरह से निर्दलीय उम्मीदवार 200 से 300 करोड़ रुपए स्पेशल इन लोगों ने खर्च करने वाले हैं, निर्दलीय उम्मीदवार खड़ा कर उनको पैसे दिए जाएंगे, और वोट जिस तरह से पाटीदार और भाजपा से जो नाराज है उनके वोट ट्रांसफर करने के लिए दूसरे उम्मीदवारों को, ताकि वो कांग्रेस में न चले जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्लान है। मैं कहीं ना कहीं देखते आया हूं पिछले 5-7 दिनों से, तो गुजरात की जनता को इस तरह से इन लोगों ने समझाया कि हम खरीद लेंगे, एक एक उम्मीदवार को एक वार्ड के 1,000 रूपये देने के आधार पर एक एक उम्मीदवार 50-50 लाख रुपए भारतीय जनता पार्टी बांटने का काम कर रही है। बस मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि गुजरात की जनता समझदार है, होशियार है। जिस तरह से ये लोग समझ रहे हैं कि गुजरात की जनता को मूर्ख साबित कर देंगे, नहीं, हम पक्के गुजराती है और मुझे भरोसा है कि इस बार गुजरात की जनता काफी अच्छा करेगी। और ये जो आपका आरक्षण का जो फॉर्मूला है वो हम आपको भी कॉपी करके दे देंगे, ताकि आपको उसके अंदर पूरी डिटेल मिल जाएगी। मैंने स्पष्ट बोला कि हम कांग्रेस पार्टी को भाजपा के सामने लड़ेंगे, मतलब उन्हीं को फायदा हो रहा है। 2015 के पंचायतों के चुनाव में वही हुआ था, और मुझे भरोसा है कि अच्छा करोगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हार्दिक पटेल भले ही अब कांग्रेस के साथ जाते दिख रहे हैं, लेकिन बातों से तो यही लगता है कि गुजरात चुनाव में सीधी आने के बाद उनकी स्थिति कुछ खास अच्छी नहीं है, जिसमें अब कोई रास्ता ना देखते हुए हार्दिक ने यह फैसला लिया हो। इस खबर पर अपनी राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। NMF न्यूज की रिपोर्ट।